Hi students, good morning. Today in Science EVS 1, we are going to continue our lesson number 2, which is your motions of the earth. हम लोग ये continue करने वाले हैं. So, let's start. Last week, what did we see? We saw about the earth. हमने last week earth के बारे में देखा था. We saw that the earth rotates like a लट्टू. लट्टू के जैसे, top के जैसे it rotates and it rotates along a line which we can't see and that line is called what? Axis. ये जो line है, जो बीच में जाता है, that line is called the axis और वो हमें दिखता नहीं है, that's called an imaginary line. Now, we also saw that the line, the axis line, वो straight नहीं है, वो टेढ़ा है, टेढ़ा is tilted, okay? It's tilted and we saw that, okay, ये photo देखो right hand side में जो photo है, उसमें we saw that the earth ऐसे ऊपर से नीचे तक एक लाइन जाता है that axis is tilted जो सबसे earth के ऊपर है that's called north pole सबसे नीचे जगह है that's called south pole and यहाँ पे रात penguins blue whales polar bear ऐसे बहुत you know ice cold climate में जो animals रहते हैं वो इधर रहते हैं north pole and south pole में and earth के बीच में बिल्कुल बीच में एक लाइन जाता है विच इज कॉल्ड द इक्वेटर ओके एंड दिस इक्वेटर अर्थ को दो टुकड़ा करता है हाफ हाफ द अपर हाफ इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द लोअर हाफ इज कॉल्ड साउदर्न हेमिस्फीयर दिस इज व्हाट वी सॉ लास्ट वीक ओके सो इफ यू सी दिस इज द अर्थ ओके अर्थ गोल गोल घूमता है टॉप के जैसे घूमता है एंड दिस इज कॉल्ड एज रोटेशन ऐसे घूमना रोटेशन इट्स कॉल्ड रोटेशन There is an imaginary line from top to bottom which we cannot see which is tilted वो टेढ़ा है straight नहीं है टेढ़ा है that line is called the axis वो ऊपर से नीचे जाता है दो जगह है north pole and south pole सबसे ऊपर and सबसे नीचे north pole and south pole जहाँ पे बहुत it is very very cold and animals like polar bear blue whale And penguins all live here in North Pole and South Pole because it's very very cold. ऊपर से नीचे से जाता है वो line को axis कहते हैं. बीच में जो line जाता है जो Earth को ऊपर half और नीचे half करता है that line is called the equator. This line is called what the equator and that divides the Earth into two parts. Upper part is called Northern Hemisphere and lower part is called Southern Hemisphere. This is what we saw last week. In today's lesson, what are we going to see? We are going to see about rotation. Okay, rotation pata hai hume. Ye rotation ki wajah se kya hota hai? What happens because of this? And we are also going to see revolution. And revolution ki wajah se kya hota hai? Do cheeze hai, rotation and revolution today dekhne wale hai. Okay, so let's start. Hum sab log ko pata hai that earth is shaped like a sphere. एक बड़ा बॉल जैसा है ना बड़ा बॉल जैसा है दैट्स अ स्पीयर दिस इज अ स्पीयर नाउ ऑल पार्ट्स ऑफ द अर्थ डज नॉट रिसीव सनलाइट एट द सेम टाइम सारे दुनिया में सारे जो भी कंट्रीज है सबको सनलाइट एक ही टाइम पे नहीं आता है ठीक है से ये इंडिया होगा ओके ये इंडिया है ये ऑस्ट्रेलिया है ये अमेरिका है ये अफ्रीका है सबको सनलाइट सेम ही टाइम पे नहीं आता है कभी कभी किसी के पास सनलाइट होता है तो दूसरे के पास मून होता है एंड दूसरे के पास मून होता है तो द अदर पार्ट हैज द सनलाइट व्हाई वी आर गोइंग टू सी इफ यू लुक एट दिस पिक्चर यू विल सी दैट ओके अर्थ घूमता है ओके एंड द सन इज हियर एंड द मून इज हियर तो जो भी पार्ट सन को फेस कर रहा है दैट पार्ट रिसीव्स सनलाइट एंड जो भी पार्ट सन से बैक साइड पे है दैट पार्ट रिसीव्स मूनलाइट सो जो पार्ट में सनलाइट आता है उधर डे टाइम होता है एंड जो पार्ट मून की तरफ है उस पे नाइट टाइम होता है एंड मून दिखता है ओके सो ये अर्थ है सपोज इधर सन है ओके सपोज इधर सन है तो क्या होगा ओनली दिस पार्ट ओके दिस पार्ट गेट्स सनलाइट व्हेयर दिस बैक साइड व्हिच इज नॉट फेसिंग द सन विल गेट मूनलाइट ओके ये सन है ये अर्थ है तो जो ये पार्ट फेस कर रहा है सन को दैट विल गेट डे टाइम दूसरा पार्ट विल गेट नाइट टाइम और द
मून. कैन यू सी हियर? आई विल शो इट यू. अर्थ घूम रहा है. ओके, जो पार्ट सन को फेस कर रहा है दैट इज गेटिंग डे. ओके, सनलाइट उधर आ रहा है, बट ये जो पीछे वाला पार्ट है वहां पे सन पहुंच नहीं रहा है, तो वहां पे क्या दिखेगा? मून. बट ये गोल 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 घूम रहा है, सो क्या होगा? सनलाइट से मूनलाइट जाएगा, डे से नाइट जाएगा, सुबह होगा सनलाइट, फिर गोल 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 घूमेगा अर्थ, फिर मून के पास जाएगा तो रात हो जाएगा. ओके, सो इट चेंजेस फ्रॉम डे टू नाइट बिकॉज ऑफ दिस रोटेशन के वजह से. ये जो गोल घूम रहा है रोटेशन के वजह से डे एंड नाइट चेंजेस. ओके, इफ यू सी हियर, ओके, देयर इज डे लाइट. ओके, ये सन है, ये अर्थ है, ये मून है, ये जो व्हाइट वाला है मून है. जो हम लोग अर्थ को आधा करते हैं, तो ये आधे पार्ट में जहां पे सनलाइट आ रहा है उधर डे टाइम होगा. ओके, एंड ये जो आधे पार्ट में सनलाइट नहीं आ रहा है उधर पे नाइट टाइम होगा एंड मून दिखेगा. फिर क्या होगा? वो गोल गोल घूमेगा. ओके, सो व्हाट विल हैपन? जो डे टाइम था वो नाइट होगा, फिर नाइट टाइम था जो डे होगा. सो ऐसे गोल 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 घूमेगा सो दैट हमारा डे एंड नाइट चेंज होते जाएगा. ओके, सो ये गोल गोल घूमने के लिए, ये रोटेशन एक पूरा कंप्लीट करने के लिए, ऐसे डे से नाइट पूरा कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है? 24 hours. ओके, क्लॉक में 24 hours लगता है. सुबह ओके से शाम तक, ओके 12 o'clock इन द नाइट टू नेक्स्ट डे 12 o'clock इन नाइट, 24 hours लगता है. एंड दैट इज कॉल्ड रोटेशन. ओके, टेक्स रोटेशन के लिए कितना टाइम लगता है? 24 hours और 1 day लगता है. ओके, द नेक्स्ट थिंग, सो दिस इज रोटेशन. रोटेशन मतलब क्या? ऐसे स्लोली 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 घूमना. तो इधर सन होगा तो जो भी पार्ट सन को फेस करेगा दैट विल रिसीव सनलाइट, जो भी पार्ट सन से पीछे रहेगा उसको सनलाइट नहीं आएगा. सो स्लोली 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 घूमेगा तो डे चेंजेस टू नाइट, डे चेंजेस टू नाइट, ऐसे 24 hours लगता है, 1 day लगता है अर्थ को घूमने के लिए. ओके, रोटेट करने के लिए. The next thing that we are going to see is called revolution. Okay, revolution मतलब क्या है? Suppose this is the sun. Earth एक तो गोल 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 घूम रहा है, उसके अलावा क्या कर रहा है? Earth sun से revolve कर रहा है. Earth sun से revolve कर रहा है, ऐसे उसको घूम रहा है, पूरा घूम रहा है. So can you see here? This is revolution. Earth is revolving around the sun. It's rotating on its axis. It is rotating on its axis. इसके अलावा it is revolving around the sun. एक पूरा revolution complete करने के लिए the earth takes how many days? पता है? It takes 365 days. एक दिन में वो sun से घूम के नहीं आता है. कितना दिन लगता है? 365 days लगता है, which is एक साल. Okay, एक साल लगता है earth को सन को घूमने के लिए, इतना टाइम लगता है. दैट्स व्हाट वी कॉल अ ईयर. ओके, सो व्हाट डिड वी सी टुडे? द अर्थ रोटेट्स. रोटेशन मतलब टॉप की तरफ, लट्टू की तरफ घूमना. एंड हाउ मच टाइम डज इट टेक? इट टेक्स 24 hours. इट टेक्स 24 hours और 1 day. एक पूरा दिन लगता है. एक पूरा दिन में कितने घंटे है? 24 घंटे है. The second thing is revolution. Revolution means it goes around the sun. Okay, the earth goes around the sun orbit pe, and that takes how much time? 1 year, which is 365 days. 365 days lagta hai revolve karne ke liye. Now rotation ki wajah se kya hota hai? Revolution ki wajah se kya hota hai? Rotation ki wajah se day se night change hota hai, night se day change hota hai. So it causes day and night changes. Whereas revolution से क्या होता है? Season change होता है. Earth sun से घूमने से क्या होता है? Seasons change होता है. Summer, winter, monsoon, ये सब उसके वजह से होता है. So rotation means turning around on your axis. How much time does it take for rotation? 24 hours or 1 day. What does it cause? It causes day and night. And revolution means what? Going around the sun. I say going around the sun. How much days does it take? 365 days, which is 1 year. And what does it cause? It causes change in seasons, which is your summer season, winter season, monsoon season, and ye sab hota hai. Okay, again Kavya Didi is repeating, rotation of the earth
24 आवर्स एक दिन में होता है एंड चेंज ऑफ डे एंड नाइट होता है उसके वजह से. रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ 365 डेज लगता है वन ईयर विच कॉसेस द चेंज ऑफ योर सीजंस. ओके सो दिस इज टुडेज लेसन. I will send you a worksheet and a craft activity for today, which you have to finish. Okay, bye. See you in next lesson.